नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पार्ट चार, जिसका नाम क्या है बच्चों? मेरी स्मृति। तो यहाँ पर एक कविता दी गई है जिसके कवि हैं डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव जी। इनका जन्म हुआ था 1921 रायबरेली उत्तर प्रदेश में, और डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने 1944 से अब तक पत्रकारिता और संपादन को व्यवसाय एवं मिशन के रूप में जिया। आपने दैनिक साप्ताहिक मासिक पत्रों के संपादन के अतिरिक्त हिंदी समिति उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान में प्रधान संपादक के रूप में दर्जनों विविध विषयक संदर्भ एवं मानक ग्रंथों का संपादन किया है। प्रमुख कृतियां 20 पुस्तकें प्रकाशित, बेटे को क्या बतलाओगे उपन्यास है, ठीक है। तो ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अभी हम लोग पद्य संबंधी देख लेते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर ये जो कविता दी गई है ये हाइकू विधा में लिखी गई है। हाइकू एक विधा होती है जो कि एक जापान की विधा है, लेकिन अभी हिंदी ने भी इसको स्वीकार कर लिया है। मतलब जो हिंदी के कवि हैं वो भी अभी हाइकू में अपनी कविताएं लिखने लगे हैं। तो हाइकू की विशेषता क्या होती है ना, ये पांच, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, 5 धन 7 धन 5, ठीक है, ये इसकी विशेषता होती है। ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से। अभी ये 5 7 5 होता क्या मैं बताती हूँ। देखो 5 धन 7 धन 5 मिला करके कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है। अभी ये 5 7 5 होता क्या है, तो सुनो ध्यान से। इधर देखो, यहाँ पे देखिएगा, 5 7 5 5 7 5 5 7 5, ठीक है। तो 5 7 5 मतलब क्या, ऊपर देखिए, ये जो ऊपर वाली लाइन है जिसको मैंने 5 बोला था, ये वाली जो लाइन है इसमें कितने अक्षर हैं गिनिए। ग एक हुआ, फिर ई दूसरा, उसके बाद जो ह है वो 3, और जो प है वो 4, और क को लेकर के कितना हो गया, 5। यानी इसमें कितने अक्षर हैं, 5 अक्षर हैं, ठीक है। तो ये हो गया पहली लाइन में 5, देखो इसमें 5। फिर नीचे वाली जो लाइन है उसके, उसमें आप गिनिए कितने अक्षर हैं। तो प त छ र त प न, कितने हुए, 7। तो ये हो गया 7। फिर इसके नीचे आइए, इसमें कितने अक्षर हैं, आ मतलब अ एक अक्षर है, म एक अक्षर है, उसके बाद स ख उसके बाद ए, ठीक है। तो कितने हुए, 5। यानी यही है आपका 5 7 5। मतलब ये जो हाइकू है ना, ये ऐसे ही लिखी जाती है। ये देखो इसमें 3 ही लाइन है, और ऊपर क्या है, 5 अक्षर है, नीचे मतलब उसके नीचे दूसरी वाली जो बीच वाली लाइन है उसमें 7 अक्षर है, और सबसे नीचे वाली में 5 अक्षर है, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता होती है, 5 7 5, ऐसे ही हाइकू को लिखा जाता है। और कम से कम शब्दों में आपको बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कवि लोग करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो थोड़ा सा अभी पद्य संबंधी देख लेते हैं। तो प्रस्तुत यहाँ पर ये जो हाइकू दिया गया है, इसमें कवि जी ने अलग अलग विषयों पर लेखन किया है। इन्होंने यहाँ पर आम महुआ, आकाश तारा, पवन मेहंदी, गांव आदि के बारे में जो भी इनके विचार है उनको व्यक्त किया है, और साथ ही साथ इन्होंने झिंगुर, कोयल, इनकी जो खुशियाँ होती है उनके बारे में भी यहाँ पे बताया है, ठीक है। तो चलिए अब बिना कुछ देरी किए हम इस हाइकू कविता को पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा पहली लाइन क्या दिया गया है, गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं। तो पिकी मतलब क्या होता है बच्चों, पिकी यानी होता है ना कोयल। कोयल आपको पता है ना, जो करती है कुहू कुहू, कितने मीठी लगती है उसकी आवाज। तो पिकी यानी होता है कोयल, प्रतीक्षारत यानी इंतजार करना, पुनः मतलब एक बार फिर, आम्र आम्र मतलब आम, शाखाएं मतलब क्या होता है, वृक्षों की डालियां, जो डालियां होती है उनको हम शाखाएं कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कवि जी क्या लिखते हैं कि गई है पिकी प्रतीक्षारत पुनः आम्र शाखाएं, यानी जो पिकी है, जो कोयल है, वो चली गई है। कहाँ चली गई है, कहीं चली गई है, जिसकी वजह से जो आम की शाखाएं हैं, क्योंकि कोयल किस पे बैठती है, जो आम की डालियां होती है उनके ऊपर वो बैठती है, कुहू कुहू करके अपने गीत सुनाती है। तो अभी कोयल यहाँ से चली गई है, जिसके कारण जो आम्र शाखाएं हैं, जो आम के वृक्षों की जो डालियां हैं, वो उसका इंतजार कर रही है। प्रतीक्षारत मतलब क्या होता है, इंतजार करना, ठीक है। तो एक बार फिर से जो आम की डालियां हैं वो क्या कर रही हैं, उस कोयल का इंतजार कर रही हैं। अभी इससे तात्पर्य क्या है, तो सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे अभी इसके माध्यम से जो कवि हैं वो हमको क्या बताना चाहते हैं, जैसे जो गांव होता है, ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे
आप भी गांव में जाते होंगे तो आपको ज्यादा लोग दिखाई नहीं देते होंगे, क्यों? क्योंकि सब लोग गांव छोड़ छोड़ करके शहर की तरफ आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, और शहर बेचारा ऐसे टुकुर टुकुर देखता रहता है ना, एकदम मतलब उदास होकर के वो देखता रहता है कि सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं, सब लोग मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ये जो कवि जी हैं वो अपना गांव छोड़ करके शहर में आ चुके हैं। तो अभी वो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पिकी पिकी है, यानी कि जो गांव है, ठीक है, गांव में जो वृक्षों की डालियां हैं वो सभी क्या कर रही हैं, इनका इंतजार कर रही है। पिकी अर्थात क्या, जैसे समझिए वो अपने आप को पिकी बोल रहे हैं, कोयल बोल रहे हैं, जैसे कोयल चली गई है आम की डालियों को छोड़कर, उसी प्रकार से जो इंसान है वो गांवों को छोड़ करके चला गया है और गाँव बेचारा टुकुर टुकुर करके इंतजार कर रहा है कि ये लोग कब आएंगे। ठीक है, तो ये है बच्चों इन 3 लाइनों का मतलब। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं आगे कवि कि महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता। अभी महुआ क्या होता है, महुआ आपको पता है, महुआ का एक पेड़ होता है जिसके ऊपर महुआ नाम का फल लगता है। ठीक है, तो उसके जो फूल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, सफेद सफेद होते हैं, सफेद सफेद फूल होते हैं। तो जोहता मतलब क्या होता है बच्चों, किसी को ढूंढना, किसी का इंतजार करना। ओके, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ, सुनो ध्यान से। जो महुआ है, ठीक है, महुआ खड़ा है, महुआ का पेड़ खड़ा है, बिछा श्वेत चादर, जैसे जो महुआ होता है, जैसा मैंने आपको बताया उसके फूल कैसे होते हैं, सफेद सफेद होते हैं, और सुबह के टाइम पे ना महुआ के पेड़ के नीचे वो फूल एकदम से पूरे झरे रहते हैं, ऐसा लगता है कि सफेद चादर उसने बिछा दी हो। ठीक है, तो महुआ खड़ा बिछा श्वेत चादर किसे जोहता, मतलब ये जो महुआ है ये खड़ा है और श्वेत सा चादर बिछा करके, मतलब जो उसके फूल गिरे हुए हैं ऐसा लग रहा है चादर के समान लग रहे, तो वो चादर चादर जैसा बिछा करके वो किसको ढूंढ रहा है, किसे जो रहा है, क्या कर रहा है। ठीक है, तो अभी इससे तात्पर्य क्या हुआ कि जैसे जो गांव है वो ऐसे ही अपनी निगाहों को बिछा करके इंतजार कर रहा है कि कब आएंगे कब आएंगे, जैसे इंसान उसको छोड़ करके, गांव को छोड़ करके शहर में आकर के बस गए हैं, तो इसी प्रकार से जो गांव है वो क्या कर रहा है, उनका इंतजार कर रहा है। ये जो महुआ का पेड़ है वो सफेद सा चादर बिछा करके इंतजार कर रहा है, उनको ढूंढ रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पर कवि जी यही महुआ के बारे में बताते हैं, कोयल के बारे में बताते हैं, आम की जो शाखाएं हैं उनके बारे में बताते हैं। ठीक है, आगे क्या है कि किसकी व्यथा छाप गई बन घटा नभे घिरा। अभी देखो बच्चों गांव से सब लोग चले आए हैं, तो गांव बेचारा बड़ा ही उदास है, और इसके कारण जैसे देखो कि अगर हमारे मन में कोई व्यथा होती है, हम कैसे होते हैं, हम दुख तकलीफ में होते हैं तो हम एकदम से उदास हो जाते हैं, है ना। तो वही यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं कि किसकी व्यथा छाप गई बन घटा, मतलब ये किसकी व्यथा है, किसकी व्यथा है जो बादल बन करके क्या हो गई है, घटा मतलब क्या होता है बच्चों, बादल। ठीक है, तो किसकी व्यथा है ये जो बादल बन करके क्या हो गई है, पूरे आकाश में छा गई है और जो आकाश है वो पूरा उन बादलों से घिर गया है। ठीक है, यानी जो गांव है ना वो व्यथा में डूबा हुआ है, वो दुख में डूबा हुआ है और इसके कारण वो बड़ा ही उदास है। ठीक है, चलिए अभी आगे देखते हैं, आगे क्या कहते हैं कि सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में। सांझ यानी शाम होता है, ठीक है, निशा यानी क्या होता है बच्चों, रात्रि। तो यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं कि सांझ का तारा किसे खोजने आया आम निशा में, यानी जो सांझ का तारा है, सांझ मतलब क्या, जब शाम होती है तो आप सभी को पता है हम लोग को तारे दिखाई देने लगते हैं ना, तारे टिमटिमाते हैं ना आकाश में, तो सांझ का ये जो तारा, ये जो शाम के समय ये सभी तारे आए हैं, ये किसको खोजने आए हैं इस रात में, इस अंधकार भरी रात में ये जो तारे हैं ये किसको खोजने आए हैं, ऐसा कवि के मन में मतलब प्रश्न उठ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे गांव में अभी कोई है ही नहीं, ठीक है, सब लोग शहर में आ चुके हैं, तो जो गांव है वो क्या कर रहा है, गांव में जो तारे हैं वो भी बेचारे ढूंढ रहे हैं कि लोग कहाँ गए, सब कहाँ गए। ठीक है, इस तरीके से वो लोग क्या कर रहे हैं इस रात्रि में, मतलब वो जो तारे आए हैं ना, ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को ये ढूंढने के लिए आए हैं, खोजने के लिए आए हैं कि ये सब लोग गए कहाँ। ठीक है, तो सांझ का तारा यानी रात्रि का तारा आया है इस अंधकार भरे रात में किसको खोजने, तो वही उन लोगों को खोजने आया जो गाँव को छोड़ करके जा चुके हैं। कौन संदेशा ले आया है पवन सुनने तो दो। अभी कवि जी बोल रहे हैं जैसे पवन बह रहा है, अगर आप बैठे हो कुछ सोच रहे हो तो ऐसा लगता है कि पवन भी आपके लिए कुछ संदेश लेकर के आया है ना। तो यहाँ पे कवि जी लिख रहे हैं कि ये जो, जैसे अभी कवि जी हैं शहर में,
तो पवन जाता है तो उसके बारे में वो बताते हुए कह रहे हैं कि कौन संदेशा लेकर के आया है पवन, ये पवन कौन सा संदेशा लेकर के आया है, मुझे जरा सुनने तो दो, मतलब शांत रहो मुझे सुनने तो दो कि ये संदेशा कौन सा लाया है, क्या कहना चाहता है मुझसे। ठीक है, आगे देखो, रची बसी हो मेहंदी की गंध में याद आती हो। अभी जो कवि जी हैं इनको अपने गांव की याद आती है, मतलब जब भी इनको ऐसा मेहंदी की खुशबू कहीं पे सुगंध आ जाती है, क्योंकि गांव में मेहंदी के भी पेड़ होते हैं तो वहाँ पे इनको सुगंध आती रहती थी मेहंदी की, तो जब ये मेहंदी की सुगंध इनको आती है तब इनको अपने गांव की याद आ जाती है। ठीक है, मतलब गांव कैसा, मेहंदी की सुगंध सुगंध में वो रचा बसा सा उनका जैसा गांव था तो उसका याद इनको आ जाता है। वही कहते हैं यहाँ पे कि रची बसी वो मेहंदी की गंध में बस याद आती है, यानी इनको इनका गांव याद आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। खुल गए हैं पी कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले। अभी बच्चों इसको आप सुनिएगा, खुल गए हैं पी, पी मतलब क्या होता है, पपीहा, कहाँ पुकार से पृष्ठ पिछले, पृष्ठ मतलब क्या होता है, पन्ना होता है ना वो, तो अभी ये इसके माध्यम से कवि जी क्या बताना चाहते हैं, जैसे पी यानी पपुहा पपीहा की जब ये पुकार सुनते हैं तो इनके जो पिछली जो यादें हैं गांव में जो इन्होंने अपने दिन बिताए थे इनको वो सभी याद आ जाते हैं। ठीक है, जो पिछले इनके पृष्ठ थे, पिछले जो पन्ने थे वो खुल जाते हैं, उनकी जो स्मृतियां हैं, देखो इसका नाम भी है मेरी स्मृति, यानी यहाँ पर वो अपने यादों के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि अब जो लेखक हैं वो शहर में आ चुके हैं तो इनको गांव की याद आती है, तो गांव के बारे में ये जो जो कुछ भी सोचते हैं उसके बारे में ये लिखते जाते हैं। ठीक है, तो इनको जब पपीहा पुकारता है उसकी आवाज़ जब इनको आती है तब इनकी जो स्मृतियां हैं वो जो यादें हैं वो फिर से इनके सामने आने लगती हैं। ठीक है, चलो अभी आगे देखो। कटे वृक्ष गांव की दोपहर खोजती साया। अभी यहाँ पे लेखक जी क्या, कवि जी क्या कहते हैं, जैसे अभी हम लोग जानते हैं कि पेड़ों की कैसे अंधाधुंध कटाई की जा रही है, शहर में तो ऐसा हो ही रहा है, मतलब शहर में तो लोग घर बनाने के लिए पेड़ों को काट ही रहे हैं, लेकिन गांव में भी, मतलब गांव भी इससे अछूता नहीं है, यानी गांव में भी पेड़ों की कटाई की जा रही है। गांव में कैसे पहले बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे, अभी भी अगर आप लोग अपने गांव में जाते होंगे तो पहले जैसा आप गांव देख करके आप आते हो वैसा आपको दोबारा से देखने के लिए, मतलब देखो आज आप अपने गांव से वापस यहाँ पे शहर में आ गए, ठीक है, फिर कुछ सालों के बाद जब आप गांव में जाते हो ना तो गांव आपको वैसा नहीं मिलता, मतलब थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ मिलता है। ठीक है, कुछ ना कुछ वहाँ पे बदलाव आ जाते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे कवि जी है ना तो अपने गांव के बारे में ये बताते हुए कह रहे हैं कि पहले हमारे गांव में कैसे पूरे वृक्ष हुआ करते थे, लेकिन अब जो वृक्ष हैं, समझिए गांव आ गए हैं, समझिए कि ये जो लेखक कवि है ना वो गांव में आ गए हैं, और गांव में आने के बाद वो क्या देखते हैं कि सारे जो पेड़ थे, वृक्ष यानी क्या होता है जो पेड़, ठीक है, वो सभी क्या हो गए हैं, कट गए हैं, तो गांव की दोपहर खोजती साया। अभी जैसे पहले क्या हुआ करता था कि पेड़ होते थे तो गांव की जब भी दोपहर होती थी, दोपहर यानी क्या, जब भी धूप निकलती है 12 बजे का टाइम, ठीक है, तो वो होता है दोपहर, तो लोग क्या करते थे, वृक्षों की छाया में सुस्ताते थे, आराम करते थे, है ना, थोड़ी छाया लेते थे जिससे उनको आनंद मिलता था। आप लोग को भी अच्छा लगता होगा अगर आपको, समझिए आप कहीं धूप में जा रहे हैं, सोचिए वो दृश्य आप ना थोड़ा सोचो कि कैसा रहता होगा, गांव की थोड़ी आप याद कर लो, है ना, मेरी स्मृति, आपकी भी स्मृति जागृत होनी चाहिए, तो आप ना सोचिए कि गांव में हो और आप ऐसे धूप में कहीं तो जा रहे हो, क्योंकि गांव में भी जो इतने नज़दीक नज़दीक बाजार नहीं होते, जैसे अगर अगर हमको कुछ भी सामान लेना है हम तुरंत उतरते हैं सीढ़ी पर से, मिल गया दुकान, चलो सामान ले लिया, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में पास पास दुकान नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई सामान खरीदना भी है ना तो आपको बहुत दूर जाना पड़ेगा और उसके लिए भी साधन नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर रिक्शा वगैरह होता है, बस होता है, इतनी दूर भी जाना है तो भी एक रिक्शे वाले को पकड़ा, पैसा दिया, चल दिया, लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे अगर आपके पास आपका अपना साधन है तब तो ठीक है, और अगर नहीं है, जैसे स्कूटर है, साइकिल है, बाइक है, अगर आपके पास है तब तो आप उससे जा सकते हो चौराहे पे, लेकिन अगर नहीं है तब तो आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। वैसे हम भी जब भी गांव में जाते हैं ना तो हमको जब भी चौराहा पे जाना रहता था तो हम कैसे जाते थे, पैदल ही खेत खेत पड़े जाते थे। ठीक है, तो वैसा ही आप इमेजिन करो कि आप ऐसे धूप में जा रहे हो और आपको बहुत गर्मी लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं पे मुझे छाया मिल जाए, धूप लग रही है बड़ी जोर की, हाँ जब भी छाया मिल जाए तो, और अचानक से आपको कहीं पे एक वृक्ष दिखाई दे दिया बड़ा सा जिसके अंदर, मतलब जो बहुत ही छायादार है, तो आप उसके नीचे जाकर के बैठते हो, सोचो आपको कितना आनंद आता है ना, ऐसा लगता है कि स्वर्ग की जो पूरा सुख है ना वो हमको ही मिल गया है।
है ना, कितना आनंद आएगा। इतनी गर्मी है, वो गर्मी आप इमेजिन करो और फिर बाद में उस छाया के बारे में सोचना, तभी आप उस चीज़ को महसूस कर पाओगे, है ना। तो बस यहाँ पे वही कवि जी बोल रहे हैं कि कटे वृक्ष, मतलब गांव की दोपहर में जैसे सभी वृक्ष रहते थे तब हम छाया में जाकर के सुस्ता लेते थे, लेकिन अभी वो ऐसा नहीं है, हम छाया खोज रहे हैं। छाया मतलब क्या, छाया यानी छाया को खोज रहे हैं। जो गांव की दोपहर है वो छाया को खोज रही है कि कहीं तो छाया मिल जाए, कहीं तो छाया मिल जाए, लेकिन मिलेंगे ही नहीं क्योंकि सारे वृक्ष कट चुके हैं। ठीक है, गाँव पूरा के पूरा चेंज हो चुका है, पहले गाँव जैसा था वैसा नहीं है। समझ में आया, चलिए अभी आगे चलते हैं। अभी ये पढ़ने के बाद मुझे मेरे गांव की याद आने लगी, आपको भी अपने गांव की याद आती होगी। चलिए देखते हैं अभी आगे कवि जी क्या लिखते हैं। गांव मुझको मैं ढूंढता, गांव को खो गए दोनों। अभी इसका मतलब क्या हुआ, तो कवि जी बोल रहे हैं कि गांव मुझको खोज रहा है। अभी कवि जी आ गए हैं अपने गाँव में, ठीक है। तो गाँव मुझको मैं ढूंढता गाँव को, यानी गाँव मुझे खोज रहा है और मैं गाँव को खोज रहा हूँ, और इस खोजने में हम दोनों गुम हो गए, खो गए हम दोनों। अभी इससे तात्पर्य क्या है, जैसे जो गांव है ना, कवि छोड़ करके गए थे तो दूसरे तरीके से थे, यानी गांव को जब ये छोड़ करके शहर में गए थे तब ये दूसरे तरीके से रहते थे, क्योंकि ये गांव की तरह पहले रहते थे, लेकिन अब ये शहर में आने के बाद बदल चुके हैं, शहरी रहन सहन हो गया है ना। अभी जैसे हम लोग भी अगर गाँव में जाते हैं, आप लोग भी जाते होंगे, तो गाँव के लोगों का जीवन ही कुछ और होता है, उनका रहन सहन तरीका उनका अलग होता है, हमारा अलग होता है ना। मतलब गांव में आने के बाद, शहर में आने के बाद जो लोग हैं उनका रहन सहन का तरीका, बात करने का, ये सब चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो कवि हैं इनका भी चेंज हो चुका है, तब ये जो गांव है ना वो अपने पुराने वाले कवि को ढूंढ रहा है कि ये पुराने वाले जो आदमी थे उनका जो व्यक्तित्व था गाँव, उसको ढूंढ रहा है और ये गाँव को ढूंढ रहे, क्योंकि जब ये गाँव में गए हैं तो सारी चीज़ें कितनी चेंज हो चुकी हैं, कितना परिवर्तन आ चुका है। मतलब गांव को ये जैसा छोड़ करके गए थे वैसा अभी वो गांव नहीं है, तो ये गांव को खोज रहे, अपने पुराने वाले गांव को खोज रहे हैं और गांव इनको खोज रहा है, पुराने वाले कवि को खोज रहा है, और इसी खोजने में ये दोनों गुम हो गए हैं, दोनों खो गए हैं, ठीक है। चलिए अभी आगे देखते हैं। वर्षा की सांझ बजाते सहनाई छिपे झिंगुर। झिंगुर एक तरीके का कीड़े जैसा होता है, जैसे आप देखते होंगे कॉकरोच तिलचिट्टा, वैसे ही झिंगुर भी होता है, ठीक है। गांव में जब भी बारिश होती है ना, अभी यहाँ पे तो ऐसी आवाज़ नहीं आती होगी क्योंकि जहाँ पे घास वगैरह रहते हैं ना उसी में ये झिंगुर रहते हैं और वो आवाज़ करते रहते हैं ऐसा झिन 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 जैसा, ठीक है। आप कभी गाँव में अगर बारिश के टाइम पे रहे होंगे ना, या फिर ठंडी के भी टाइम पे जहाँ पे घास होती है ना, जब ओस गिरती है ना उसकी बूंदे, तभी भी ये लोग ऐसा अपना आवाज़ निकालते रहते हैं। तो वर्षा की सांझ है, बारिश की, मतलब बारिश हो रही है उसकी सांझ है, उसका शाम है। बजाते शहनाई छिपे झिंगुर, और जो झिंगुर है वो छिप करके शहनाई बजा रहे। शहनाई बजाने का मतलब क्या हुआ कि वो अपनी आवाज़ क्या कर रहे हैं, अपने बोल रहे हैं, जिनसे जो पूरा वातावरण है वहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे शहनाई बज रही हो। आगे देखो, बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में। अब पिकी मतलब आपको पता है, बार बार बताया मैंने, कोयल होता है। अमराई मतलब क्या होता है बच्चों, आम के बाग का बगीचा, अरे आम के पेड़ों का बगीचा, ठीक है। अमराई मतलब क्या होता है, आम के पेड़ों का बगीचा, मतलब एक बगीचा है जहाँ पे आम के पेड़ है, वो हो गया अमराई, उसको कहते हैं अमराई। तो जो पिकी है यानी जो कोयल है वो बांसुरी बजाने के लिए अमराई में आई है, उस आम के बगीचे में आई है। अभी हम सभी को पता है कि पिकी यानी कोयल तो बजा नहीं सकती है बांसुरी, लेकिन उसकी जो आवाज़ होती है वो किसी बांसुरी से कम नहीं होती है, हमको कितनी मधुर लगती है। वैसे शहर में भी कभी कभी हमको कोयल की आवाज़ सुनने के लिए वैसे तो नहीं मिलती है, लेकिन नॉर्मली शहर में भी कभी कभी आपने सुना होगा, लेकिन अगर आप गांव में जाओगे ना तो वहाँ पे कोयल की आवाज़ तो आप सुनोगे, सुबह सुबह पक्का सुनोगे। अगर आपका घर गांव में होगा तो आपने देखा होगा जो कोयल होती है ना, वो आकर के सुबह सुबह कुहू कुहू करती है और बड़ा अच्छा लगता है ना। तो उसकी आवाज़ बांसुरी जैसे नहीं होती, लेकिन बांसुरी से कम भी नहीं होती है, बड़ी ही मधुर उसकी आवाज़ होती है। तो यहाँ पर कवि जी क्या कहते हैं कि बजाने आई पिकी छिप बांसुरी अमराई में, यानी जो कोयल है वो छिप करके बांसुरी बजाने के लिए अमराई में आई है, यानी आम के बगीचे में आई है। चलिए अभी आगे देखते हैं। फूल खिलता महक मुरझाता स्वप्न बनता। यानी अभी एक फूल का अगर मैं उदाहरण लूँ तो फूल क्या होता है, एक बार खिलता है बराबर, फिर खिलने के बाद वो महकता है, उसके बाद वो मुरझा जाता है, मतलब ख़त्म हो जाता है ना।
और वो एक स्वप्न बन जाता है। अभी इससे तात्पर्य क्या है, जैसे कवि के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कवि ने कवि एक फूल की तरह खिले, गांव में खिले, बहुत अच्छे से पले बड़े, लेकिन बड़े होते ही वो चले गए कहाँ पे, शहर में चले गए, और वहाँ पे उन्होंने शहर की जो रहन-सहन है उसको सीख लिया। यानी एक मशीन, शहर में जैसे लोग होते हैं मशीन की तरह जीवन जीते हैं, बस उनको काम करना है, काम करना है, काम करना है ना, तो उन्होंने एक मशीन जैसा जीवन जिया, और फिर बाद में वो क्या हो गए, गांव आने के बाद ऐसा मुरझा गए। ठीक है, तो आप ऐसा समझो, फूल तो यहाँ पे फूल के बारे में ही बताया जा रहा है कि फूल खिलता है, महकता है, मुरझाता है, फिर वो एक स्वप्न बन जाता है। वैसे ही कवि भी हैं, गांव में खिले, फिर बड़े हुए, फिर शहर में आए, मशीन की तरह जीवन जिया, फिर मुरझा गए। ठीक है, और ये ना एक स्वप्न बन गया, यानी गांव तो अब उनके लिए एक स्वप्न ही बन गया है ना, क्योंकि गांव में आने के बाद जब उन्होंने देखा सारी चीजें चेंज हो चुकी है, गांव पहले जैसा नहीं रहा है ना, तो इसके बाद वो मुरझा जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, और उनके लिए वो जो गांव था पहले वाला वो तो एक स्वप्न ही बन चुका है, एक सपने जैसा ही है ना, क्योंकि फिर से जैसा पहले गांव था अभी वो दोबारा से वैसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो फूल के माध्यम से वो जो उनके विचार हैं उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे व्यक्त करना चाह रहे हैं, हम लोग को बताना चाह रहे हैं, जिससे हमको अपने गांव की याद आ जाए। आगे देखते हैं, बस 6 लाइन और बची हुई हैं, इनको भी हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा ये जो पाठ है ये खत्म हो जाएगा। तो आगे कहते हैं कवि जी, बड़े सवेरे उठ जाती चिड़िया जगाता कौन, यानी कि बड़े सवेरे, जैसे गांव में होता है ना कि जो चिड़िया होती है वो सुबह सुबह ही उठ जाती है, उठ जाती है, उठने के बाद चीं 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 करने लगती है, वो लोग अपना काम करते रहते हैं ना, चिड़िया को कुछ काम नहीं होता है, कुछ काम होता है क्या, जैसे इंसानों को कितना काम होता है, उठना है, खाना बनाना है, खाना है, और भी घर के बहुत सारे काम करने हैं, लेकिन चिड़िया को कुछ भी काम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सुबह उठती है ना, तो बड़े सवेरे चिड़िया उठ जाती है जगाता कौन। यहाँ पे लेखक के मन में विचार आ रहा है कि इतने सवेरे वो चिड़िया उठ जाती है, आखिर में उसको जगाता कौन है, ऐसा इनके मन में सवाल आ रहा है। ठीक है, गांव में क्या होता है, बड़े सवेरे चिड़िया उठ जाती है, तो इस चिड़िया को जगाता कौन है। ठीक है, चलिए अभी लास्ट लाइन्स बची हुई है यहाँ पर, एक और यहाँ पे 3 लाइन्स, चलो देखते हैं। आए कोकिल धुन वंशी की गूंजे बौर महके, कोकिल मतलब भी क्या होता है बच्चों, कोयल ही होता है। ठीक है, तो कोकिल आई धुन वंशी की गूंजे, यानी कोयल जब कू कू कर रही है तो वंशी की धुन गूंज रही है, एंड बौर महके, बौर महके मतलब बौर क्या होता है, तो जैसे कि अगर समझिए आम, आम जो है आम आने के पहले उसके पेड़ पे क्या आता है, वैसे गांव में तो हम उसको क्या कहते हैं, अगर गांव के बच्चे सुन रहे होंगे तो उनको पता होगा क्या कहते हैं, जब उसके ऊपर फूल आते हैं आम के पेड़ पे तो क्या कहते हैं उसको, मोर कहते हैं, है ना, मोर, मोर ऐसा कहते हैं गांव में शायद से, हाँ यही कहते हैं मोर। ठीक है, कि गा वो आम क्या हो रहा है, मोर आ रहा है उसमें, ठीक है, मोर आ रहा है ऐसा बोलते हैं। तो ये वही हो गया बौर, मतलब उसके पेड़ पे क्या है, फूल आए हैं आम के पेड़ों पे, तो उसको कहते हैं बौर कहते हैं। तो आई कोकिल धुन वंशी की गूंजे, यानी जब कोकिल आई तो वंशी की धुन गूंज रही है, और जो बौर है जो फूल है वो क्या हो रहे हैं, महक रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे जो कवि जी हैं वो प्रकृति के माध्यम से अपने जो विचार हैं गांव के बारे में वो हमको यहाँ पे बताना चाहते थे, जो हमने देखा, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, आपको अपने गाँव की याद तो पक्का आई होगी, गाँव में जो भी बच्चे गए होंगे उनको गाँव की याद तो पक्का आई होगी, है ना, याद आई है ना, अगर याद आई है तो कमेंट करके जरूर बताना, और आपके गांव में भी अगर परिवर्तन हुए हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो शब्द संसार जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ लिखा हुआ है, जो है ना मतलब प्रतीक्षा करना, वृक्ष यानी वृक्ष, महुआ यानी एक प्रकार का वृक्ष होता है, महुआ का पेड़ गाँव में होता है, पिकी मतलब कोयल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पाठ समाप्त हुआ, और जो इसके प्रश्न उत्तर हैं ये भी मैं जल्द ही इसका भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो, और भी जो इसके पार्ट है वो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं, यानी उसका भावार्थ मैंने बताया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।